खालिस्तानी समर्थक और लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह के भाई को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद बने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का भाई ड्रग्स के नशे में गिरफ्तार हुआ है। जिस समय वो गिरफ्तार हुआ वो नशे में खूब डूबा हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आए अमृतपाल के भाई का नाम हरप्रीत सिंह है और वो अमृतपाल के चुनावी मुहिम में शामिल भी था। खास बात यह है कि वारिस पंजाब डे का मुखिया अमृतपाल युवाओं को नशे से दूर ले जाने का दावा करता है और सिखों को अमृत चखाकर नशे से दूर करने की कस्में दिलाता है, लेकिन उसका भाई नशेड़ी निकला। बता दे कि अमृतपाल सिंह पर यह भी आरोप है कि उनके कथित नशा मुक्ति केंद्र को हथियारों के डिपो और ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस मामले में पंजाब पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जालंधर के फिल्लौर में अमृतसर के भाई हरप्रीत को पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी अंकुर गुप्ता और डीएसपी फिल्लौर ने बताया है कि हरप्रीत सिंह के पास से 4 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई है। जिस वक्त उसे काबू में किया गया वह पूरी तरह से नशे में था और उसके 2 साथियों को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले की वीडियोग्राफी भी करवाई है। फिल्लौर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान दोनों को काबू किया गया। डीएसपी ने बताया कि जो ड्रग्स बरामद की गई है वह उसके पास कहां से आई, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरप्रीत का मेडिकल करवाया गया है, नशे की पुष्टि भी हो गई है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अमृतपाल के भाई हरप्रीत की गिरफ्तारी के मामले में परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पिता तरसेम सिंह ने कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे परिवार पर बन रहे भरोसे के कारण यह सरकार अब गलत नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि जहां नशा खत्म करने की असली जरूरत है वहां पुलिस कुछ नहीं करती, निर्दोष परिवार को फंसाने में लगी है। वहीं अमृतपाल सिंह के भाई की गिरफ्तारी के बाद विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमृतपाल से लोकसभा चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार कुलबीर जीरा ने कहा है कि इससे पूरे सिख धर्म को शर्मसार होना पड़ा है। अमृतपाल इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जेल में होने के कारण वो 24 या 25 जून को शपथ नहीं ले सका। उसे फिर भारी सुरक्षा के साथ संसद लाया गया। अमृतपाल सिंह को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी गई थी। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब सीट से नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल सिंह को बतौर सांसद शपथ लेने के लिए 4 दिन की पैरोल की मंजूरी मिली थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह को खडूर साहिब से 1 लाख से अधिक वोटों से जीत मिली थी। वह निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।